हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार करियर पॉइंट चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ग्रामर में यूज ऑफ दिस दैट दीज दोस और यूज ऑफ टू बी यानी इज एम आर वाज वर का बेसिक यूज सीखा था कि हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो पर डे बोलते हैं कैसे इनको यूज करते हैं। और इस वीडियो में ग्रामर के कुछ और बेसिक यूजेस हम लोग सीखेंगे। आई होप कि पिछला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में भी आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि पर डे कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ता है, वो आप इस वीडियो में हमसे सीख पाएंगे। लेट वी स्टार्ट। तो हम लोग ग्रामर के बेसिक यूज में देखते हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे का प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो हम लोग जैसे कहते हैं यह हरि का बैग है, यह राम की पुस्तक है, इस तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे और ऐसे हम लोग पर डे यूज करते हैं। तो जैसे इसका कीवर्ड अगर मैं देखूं तो आपको ये वर्ड मिलेंगे का की के एक्सेट्रा, ये वर्ड मिलेंगे। अब इनमें अलग अलग इनका यूज कैसे करते हैं इसको देखिएगा। जैसे कहीं लिखा राम की पुस्तक, जैसे आपने लिखा राम की, राइट, तो इसको क्या लिखेंगे आर ए एम और ये एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा हरि का बैग है तो क्या लिखेंगे हरि, हरि का, राइट, तो क्या लिखेंगे हरी और ये हमने एपोस्ट्रोफी इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। लेकिन और भी इसमें सीखने की चीजें ध्यान से देखिएगा। अगर हम प्लूरल की बात करें कि लड़कों के खिलौने हैं या कुछ इस तरीके से प्लूरल में आ जाए तो क्या लिखेंगे बॉय, तो लिखेंगे बी ओ वाई बॉयज, बट इसका एपोस्ट्रोफी जो होगा ये ना होकर सिर्फ इस तरीके से होगा, एस नहीं लगेगा, राइट। फिर से देखिए प्लूरल की बात कीजिए, अगर हम एस लगा देते हैं तो एपोस्ट्रोफी इस तरीके से लग जाएगा। गर्ल्स की बात की जाए, लड़कियों का, तो जी आई आर एल और ये हमें एस लगा दिया और एपोस्ट्रोफी इसका बाहर रहेगा, ठीक है। बट अगर हम प्लूरल की बात करें, जैसे हमने चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, इसमें एस नहीं आ रहा, राइट, तो चिल्ड्रेन अगर हम लिखेंगे सी एच आई एल डी आर ई एन, बट रूल के अकॉर्डिंग जो हमने यहां सीखा था सेम वर्ड हम यहां भी लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी इस तरीके से लगा देंगे, ओके। तो हमने क्या चीज देखी, अगर सिंगुलर में इस तरीके से आ रहा है राम तो राम का हो गया, राम्स लगा दिया, हरि का तो हरीश लगा दिया, बट प्लूरल होने में एपोस्ट्रोफी इस तरीके से मेंशन करेंगे, इस तरीके से मेंशन करेंगे। और अगर प्लूरल वर्ड आ जाता है कोई, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, तो इसमें एस नहीं आ रहा, तो इसमें हम क्या करें एपोस्ट्रोफी इस तरीके से लगा दी जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी का नाम है उसमें लास्ट में एस आता है, लाइक एग्जाम्पल के लिए हम सरस लेते हैं, लेकिन मेंशन है एस ए आर ए और ये हमने एस लिखा, राइट, तो सरस डबल एस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे यहां भी सिस्टम ये होगा कि कॉमा लगा के इस तरीके से मेंशन कर दिया जाएगा। सरस का घर है या सरस का बैग है तो सरस एंड हाउस मेंशन कर देंगे। अब इनके हम कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं, वहां से हमें और क्लेरिफाई होगा कि इनका हम यूज कैसे करें। लेट वी स्टार्ट नाउ। तो अब हम लोग देखते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज हम सेंटेंस में किस तरीके से करेंगे। देखते हैं पहले सेंटेंस इस तरीके से दिए हुए हैं, यह शीला का बैग है, सेकंड वह रमेश की बहन है, यह रेखा का पेन है, रामू रमेश का भाई है, नितिन सरस का भाई है, ये बच्चों के खिलौने हैं और वे लड़कियों की पुस्तकें हैं। तो इनका यूज देखते हैं किस तरीके से ट्रांसलेशन होगा। तो पहला लिखा यह शीला का बैग है, तो हम लोगों ने जब बिगनिंग पहली क्लास में दिखा था यह है शीला का बैग, तो इसको ट्रांसलेशन बनाने में हमें आसानी होगी अगर हम तोड़ करके पहले सीख लें एक बार। तो यह है यानी दिस इज शीलाज बैग, शीलाज एंड बैग। नेक्स्ट है वह रमेश की बहन है, तो वह रमेश की बहन है, यहां हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हमने पिछली बार दैट का यूज देखा था और शी का यूज किया था, तो वह रमेश की बहन है, तो बहन को फोकस कर रहे हैं, तो यहां पर हम दैट भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं अगर हमें लगता है सिचुएशन दैट की फोकस कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर नहीं तो नॉर्मली हम शी लगाएंगे। तो शी इज, वह है रमेश की बहन, तो शी इज रमेश सिस्टर, रमेश एंड सिस्टर, एस आई एस टी ई आर। नेक्स्ट है यह रेखा का पेन है, तो यह है रेखा का पेन, तो दिस इज रेखा का, रेखास, रेखा लिखा और ये हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, और पेन दिस इज
दिस इज रेखा स्पेल. ओके नेक्स्ट है रामू रमेश का भाई है, तो रामू है रमेश का भाई, तो लिखेंगे क्या रामू इज, रामू है रमेश का, तो रमेश लिखने के बाद की हमने अपॉस्ट्रोफी लगाए एस एंड ब्रदर, रामू इज रमेश ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, रामू इज रमेश ब्रदर. नेक्स्ट है नितिन सरस का भाई है, तो नितिन है सरस का भाई, ध्यान से देखिएगा नितिन इज सरस, एस ए आर ए एस मेंशन किया, बट यहां पे लास्ट में ऐसे तो अपॉस्ट्रोफी इसका इस तरीके से ये हो जाएगा एंड ब्रदर बी बी आर ओ टी एच ई आर, राइट. नेक्स्ट है ये बच्चों के खिलौने हैं, तो ये है बच्चों के खिलौने, तो क्या लिखेंगे दीज आर चिल्ड्रेन, और ये हमने अपॉस्ट्रोफी यहां पर ये मेंशन किया दीज आर चिल्ड्रेन्स, और खिलौने के लिए टॉयज. नेक्स्ट है वे लड़कियों की पुस्तकें हैं, यानी आपके सामने ढेर सारी पुस्तकें रखी हैं, तो वे हैं यहां तक वे हैं लड़कियों की पुस्तकें, ठीक है, तो वे हैं यानी वे के लिए हम लोग यूज करते थे दोज, दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज नॉन लिविंग के केसेस में, तो वे हैं तो दोज आर गर्ल्स बुक, हमने गर्ल्स लिखा और लड़कियों की तो अपॉस्ट्रोफी हमारा यहां पर इस तरीके से ये मेंशन हो जाएगा, तो दोज आर गर्ल्स एंड बुक्स. तो इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंस के थ्रू प्रैक्टिस की कि किस तरीके से हमें अपॉस्ट्रोफी का यूज करना चाहिए. अब कुछ एक्सरसाइज के लिए एक सेंटेंस डिस्कस करते हैं और कुछ प्रैक्टिस करेंगे उनकी, शुरू करते हैं. कुछ और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसा लिखा है मिस्टर शर्मा कमला के पिता है, वह रीता की घड़ी है, यह संजय का बॉक्स है, यह चित्रा का नौकर है, श्री सिन्हा मोहित के पिता है, यह उमेश की साइकिल है, वे बच्चों की कुर्सियां हैं. तो पहला सेंटेंस दिया है मिस्टर शर्मा कमला के पिता है, तो मिस्टर शर्मा है कमला के पिता, फॉर्मेशन का सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरीके से हम लोग करेंगे. अच्छा कुछ और चीजें देख लेते हैं, मिस्टर के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एम आर, राइट, ये डॉट लगा भी सकते हैं और इसको नहीं भी लगा सकते हैं. मिसेस के लिए यानी मैरिड लेडी के लिए हम लोग एम आर एस यूज करेंगे और अनमैरिड लेडी के लिए एम आर मिस यूज करेंगे, एम आई डबल मिस यूज करेंगे, राइट, मिस्टर मिसेस एंड मिस. ओके तो पहला सेंटेंस है मिस्टर शर्मा कमला के पिता है, तो मिस्टर शर्मा है कमला के पिता, तो मेंशन करेंगे मिस्टर शर्मा इज किसके, कमला के, तो कमला पर अपॉस्ट्रोफी जाएगा, कमला के ए एम एल ए और ये अपॉस्ट्रोफी हमने लगा दिया. मिस्टर शर्मा इज कमलास एंड फादर, एफ ए टी एच ई आर, मिस्टर शर्मा इज कमलास फादर. वह रीता की घड़ी है, तो वह है रीता की घड़ी, अपॉस्ट्रोफी कहां जाएगा, रीता पर जाएगा, तो क्या होगा वह है यानी कि दैट इज रीतास वॉच, रीतास एंड वॉच. तो इस तरीके से हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है. नेक्स्ट है यह संजय का बॉक्स है, यह चित्रा का नौकर है. आई होप कि सेंटेंस बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं सेंटेंस यहां पर ही छोड़ रहा हूं ताकि प्रैक्टिस आपकी हो सके, ठीक है. तो अब हम लोग अगली एक्सरसाइज करते हैं, कुछ बेसिक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, इनका यूज हम पर डे करते हैं. जैसे लिखा है यूज ऑफ माई योर शी यू आई एंड ही, माई मीन्स मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, शी मीन्स वह, यूज के लिए हम लोग यूज करते तुम या आपके लिए यू यूज करेंगे, आई मीन्स मैं और ही मीन्स वह मेल के लिए. और एक बात और कि जब हम लोगों ने दिस दैट का डिस्कस किया था तो दैट के केस में मैंने आपसे कहा था कि बेसिक यूज में तो हम दैट का यूज करते हैं, नॉर्मली वह के लिए हम शी या ही यूज करेंगे, तो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए हमने सेंटेंस डिस्कस किया आज आपसे. तो शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखा है वह तुम्हारा भाई सोहन है, तो वह है तुम्हारा भाई सोहन रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा ही इज योर ब्रदर सोहन. नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारे पिता मिस्टर गुप्ता हैं, तो तुम्हारे पिता हैं मिस्टर गुप्ता, तो तुम्हारे पिता यानी योर फादर इज मिस्टर गुप्ता, योर फादर इज मिस्टर गुप्ता. नेक्स्ट है वह मिसेस सिन्हा हैं, तो वह हैं मिसेस सिन्हा, तो क्या हो जाएगा शी इज
मिसेज एम आर और एस मिसेज सिन्हा राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रमेश हूं तो मैं हूं रमेश क्या हो जाएगा आई एम रमेश। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मिस्टर प्रसाद है तो वह है मिस्टर प्रसाद तो क्या हो जाएगा ही इज मिस्टर ही इज थोड़ा ठीक से बना लेते हैं मिस्टर एंड प्रसाद। वह मेरी बहन है वह है मेरी बहन तो क्या हो जाएगा शी इज माई सिस्टर। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे दिस इज सिस्टर दिस इज मदर फादर ब्रदर लाइक समथिंग शी इज माई सिस्टर। नेक्स्ट है तुम्हारा तुम्हारा नाम रीता है तो तुम्हारा नाम है रीता दिस इज योर नेम इज रीता। नेक्स्ट है तुम रेखा हो यानी तुम हो रेखा दिस इज यू आ रेखा। तो इस तरीके से हमने देखा कि पर डे जो हम टेंस यूज सेंटेंस यूज करते हैं स्पीकिंग करते हैं बोलते हैं किसी के सामने तो वो सेंटेंस हमें एक फ्लो में मिल गए उनका बेसिक यूज जिस तरीके से हम लोगों ने देखा तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक और एक्सरसाइज देखते हैं कुछ और सेंटेंस भी हम लोग देखते हैं बेसिक यूजेस में सेंटेंस रिलेटेड टू प्रोफेशन डेजिग्नेशन कास्ट रिलीजन एंड नेशनलिटी। अगर हिंदी में बात करें पेशा पद जाति धर्म और राष्ट्रीयता सूचक सेंटेंस जो होंगे वो हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे तो जनरल चीज जो हम लोगों ने बचपन से सीखी है वो क्या कि अगर ये वर्ड्स आते हैं वोवेल ए ई ए ई आई ओ और यू तो हम क्या यूज करेंगे एन यूज करेंगे और अदर्स वर्ड जो होंगे उसके आगे ए यूज करेंगे राइट। तो इन पर बेस ऑफ सेंटेंस की हम प्रैक्टिस देखते हैं किस तरीके से हमें इन वर्ड्स के आगे ए और एन का यूज करना है। शुरू करते हैं कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस के लिए जैसा लिखा सोहन डॉक्टर है वह मंत्री है आप ब्राह्मण हो वह पंजाबी है तुम भारतीय हो मोहन इंजीनियर है राधा नर्स है और राणा नेपाली है। तो बेसिक हमने टर्म सीखा था कि अगर वोवेल का यूज होगा बिफोर दीज वर्ड्स तो हम एन का यूज करेंगे और अदरवाइज हम ए का यूज करेंगे राइट। तो शुरू करते हैं पहला सेंटेंस है रमेश डॉक्टर है रमेश है डॉक्टर क्या लिखेंगे रमेश इज डैश डॉक्टर। तो रूल जो हम लोगों ने देखा वो क्या था कि अगर वर्ड्स ये आते हैं ए ई आई ओ एन यू तो हम एन का मेंशन करेंगे यहां एन लगाएंगे और अदर वर्ड्स को भी आते हैं तब हम ए लगाएंगे राइट। तो शुरू करते हैं क्या हो जाएगा डी वर्ड की वजह से डी इज नॉट इन दिस कैटेगरी तो हम यहां पर लगा देंगे रमेश इज ए डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस वह मंत्री है तो वह है मंत्री इट मींस ही इज ए मिनिस्टर। ड्यू टू एम हमने यहां पर ए का यूज किया। नेक्स्ट है आप ब्राह्मण हो यानी आप हो ब्राह्मण इट मींस यू आर ए एंड ब्राह्मण इसे ब्राह्मण को इंग्लिश में ब्राह्मण बोलेंगे ब्राह्मण राइट। नेक्स्ट है वह पंजाबी है तो वह है पंजाबी इट मींस ही इज डैश एंड पंजाबी। तो ड्यू टू पी हम लोग यहां पे ए यूज करेंगे। नेक्स्ट है तुम भारतीय हो तो तुम हो भारतीय इट मींस यू आर डैश इंडियन। ड्यू टू आई हम यहां पर एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन इंजीनियर है तो मोहन है इंजीनियर तो मेंशन होगा मोहन इज डैश एन इंजीनियर। तो ई की वजह से हम यहां पर एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है राधा नर्स है तो राधा है नर्स इट मींस राधा इज डैश एन नर्स। तो ड्यू टू एन हम लोग यहां पर ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है राणा नेपाली है तो राणा है नेपाली यानी राणा इज डैश नेपाली
राइट। तो एन की वजह से हम यहां पर ए का यूज करेंगे। तो आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी कि किस तरीके से प्रोफेशन, डेजिग्नेशन, कास्ट, रिलीजन और नेशनलिटी के केसेस में हम लोग ए और का एन का यूज करेंगे। और हाँ, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है ग्रामर का। और जब हम लोग आर्टिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि ए का यूज कैसे करते हैं, एन का यूज कैसे करेंगे और द का यूज कैसे करेंगे। ना आप कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं, कुछ और सेंटेंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा है, वह विद्यार्थी है, मोहन लेखक है, आप दुकानदार हो, वह मुसलमान है, वह बौद्ध है, तुम वकील हो और वह अमेरिकन है। अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने अब तक सीखा था उस पर ये और प्रैक्टिस है कि ए या ए ई आई ओ यू वोवेल्स का यूज करेंगे तो हम एन लगा देंगे और बाकी ए लगाएंगे। जस्ट वॉन्ट टू से वन मोर थिंग, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल, हम कह सकते हैं उसका बेसिक है। और जब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, प्रीपोजिशन आर्टिकल, ठीक है ना, तो आर्टिकल टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने में हमें बहुत आसानी होगी उस समय जब हम डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, वह विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कम्युनिटी, कम्युनिटी जैसे आप स्कूल जाते हैं तो वो वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम या कोई कास्ट का सिस्टम कुछ नहीं होता, वो यू आर ए स्टूडेंट, राइट। तो इसीलिए हम इसको एक कास्ट की तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स के केस में लाइए, आपने टीवी सीरियल मूवी देखा होगा, लड़की जात करके बोला जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए, तो वहां पर क्या हो गया, वह लड़की, तो शी इज ए गर्ल होता है, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट के केस में, ऐसे ही बॉय के केस में, ही इज अ बॉय। तो ड्यू टू कम्युनिटी एक उस वेस में हम वहां पर ए लगाते हैं। प्रैक्टिकली केस में अगर देखा जाए, जस्ट वांट टू से इन प्रैक्टिकल कि कास्ट को कास्ट ना टर्म में देख करके कुछ और चीजें उसमें शामिल हो जाती है जिसके बेस पे हम ए और एन लगाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा, वह विद्यार्थी है, तो वह है विद्यार्थी, ही इज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट है, मोहन लेखक है, मोहन है लेखक, राइट। तो क्या हो जाएगा, मोहन इज ए राइटर। ऐसे दुकानदार, यानी आप दुकानदार हो तो यू आर ए शॉपकीपर। वह मुस्लिम है, ही इज ए मुस्लिम, ठीक है। नेक्स्ट है, वह बौद्ध है, तो बौद्ध को हम क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं इसका, वह है बौद्ध, तो लिखेंगे ही इज अ बुद्धिस्ट, राइट। तुम वकील हो, यू आर ए लॉयर, एंड वह अमेरिकन है, अमेरिकन में ए इसका वर्ड आएगा तो ही इज एन अमेरिकन। तो मैं लिख नहीं रहा हूं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग एक बार खुद कर सके, वाली हमने डिस्कस भी कर दिया और चीजें एक एक चीज मैंने क्लियर की हैं। तो मेरा मानना यहां तक कि जो आपने मैंने अब तक डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। तो फाइनली जिस तरीके से वर्किंग की गई है, तो कोशिश ये है कि चीजें अधिक से अधिक शेयर की जा सके, समझाई जा सके। और हाँ, एक बात और कि अब तक जो पढ़ाया है वो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।